Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. This is the Jadid Kabristan in the heart of the national capital. And with me here is Mohammed Shamim, the supervisor of this Kabristan. We are here to get a sense of what's happened on the ground since the pandemic broke out. Shamim bhai, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, जहां हम खड़े हैं, पहले वो कब्रिस्तान नहीं था, पहले यहां क्या था? ये मैडम पहले जंगल था यहां पर। तो ये जो हम पीछे देख रहे हैं, अगर कैमरा हमें मुड़ के दिखाए, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ जंगल ही जंगल था और जब से कोरोना का आउटब्रेक हुआ है तब से ये कब्रिस्तान बन गया? जी हाँ, मुझे मेरी कमेटी ने ऑर्डर दिया कि वहाँ जगह बनाइए, क्योंकि असल बात है शुरुआत में लोगों को जगह, कोई कोरोना की डेड बॉडियों को रखने के लिए राजी नहीं था। तो सबसे पहले कब्रिस्तान हमारे ही मतलब लॉर्ड हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से मैडम जी। तो हम यहाँ चलते हैं इस कब्रिस्तान के साथ। ये बताइए कि जब मैं यहाँ आई भी थी तब भी यहाँ पे कोई फैमिली दो तीन आई थी दफनाने के लिए, तो आप कितने लोगों को, आपने कोई हिसाब या कोई अकाउंट रखा है कि आप कितने लोगों को दफना चुके हैं? जी मैडम, अब तक हम 240 लोगों को यहाँ दफन कर चुके हैं, जो कोविड है या जो सस्पेक्टेड कोविड? दोनों मिला के मैडम, दोनों कोविड और कोविड सस्पेक्टेड मिला के। तो प्रोटोकॉल सेम ही रहता है? हाँ जी मैडम, दोनों का प्रोटोकॉल सेम ही है। तो ये बताइए कि मतलब मैं यहाँ देख रही हूँ और ये काफ़ी बड़ा एक अलग एरिया है जो सिर्फ कोविड कब्रिस्तान जिसको कहा जा सकता है, और जो बाकी बेरियल्स हैं वो दूसरे एरिया में हैं। शमीम भाई, मैं आपसे पूछूंगी कि 240 का नंबर, ये आपका दो महीने का तय है? जी मैम। आपको भी काफ़ी मुश्किल होती होंगी क्योंकि एक तरह का जो स्टिग्मा आ गया है कि मतलब बेवजह कि लोग बॉडीज़ को छूने के लिए तैयार नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम होती होगी? बहुत सी मैडम प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत से लोग कम आ रहे हैं, डेड बॉडी को हाथ लगाना नहीं चाहते हैं, उसमें फिर हमको हाथ लगाना पड़ता है और हमको हाथ लगाना पड़ रहा है उसकी वजह से, और हमें सुविधा नहीं मिल पा रही है। वो कौन सी सुविधा नहीं मिल पा रही? हमें सबसे पहले तो पीपी किट वगैरह नहीं मिल पा रही है, ग्लव्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। आपको कुछ पीपी तो दिए होगी? MCD ने 20-25 पीपी किट हमें दिए हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं मिल पाई है अभी। तो जब आपने उनके साथ ये बात उठाई होगी तो उन्होंने आपको क्या बोला? कि हमने अपनी कमेटी से बोला और MCD से भी बोला है हमने, लेकिन वो ये 20 किट से अलावा ज़्यादा अभी हमें मिली नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं कि अभी जब दफनाते हैं आप, अगर आपको दफनाने का रिचुअल करना पड़े तो आपके पास PPE एक भी नहीं है? नहीं, अभी तो हमारे पास नहीं है। जो थी वो आपने यूज़ कर ली? यूज़ कर ली, और अब तो हम लोगों से मंगाते हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर होते हैं ना उन्हीं से हम PPE किट। तो आप मतलब फैमिलीज यहाँ आती है तो आप उनको कहते हैं भैया हमारे लिए PPE किट लेके? हाँ, हम अपने लिए भी मंगाते हैं, उनके लिए भी मंगाते हैं। पर आप प्रिकॉशन ले रहे हैं सब? हाँ, वैसे तो हम अपनी तरफ से तो पूरी सेफ्टी कर रहे हैं, बाकी ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सब नहीं मिल पा रही है हमें। अच्छा, आप चलते हुए आप मुझे एक बात बताइए शमीम भाई, आपने तो बहुत मौत देखी है, ठीक है, आपने बहुत ट्रेजेडी देखी है, आपने बहुत फैमिलीज देखी हैं जो यहाँ आके रोती हैं, जिनका लॉस होता है, दर्द तो वही है चाहे कोई कोविड से डेथ हो या किसी और इलनेस से डेथ हो। आपने दो महीने में यहाँ क्या बदलते हुए देखा है जो आपने पहले कभी ना देखा? दो महीने में यही देखा है हमने, ज़्यादातर कुछ डॉट बॉडियाँ ऐसी आई कि जिनके साथ सिर्फ एक ही फैमिली मेम्बर है, उनके साथ कोई है ही नहीं उतारने के लिए, वो अकेले उतार रहे हैं बेचारे, फिर उनके साथ हमें लगना पड़ता है, और कुछ के साथ होते भी हैं तो भी वो आने के लिए मना कर देते हैं कि जी हम नहीं आएंगे। और आपने एक डर देखा, एक भय देखा? बहुत ज़बरदस्त मैडम, बहुत ज़बरदस्त। लोग बाग अगर आते भी हैं तो मतलब वो काफ़ी दूर खड़े रहते हैं, मतलब एक तरह से जो कहते हैं ना खुदाफिज़ भी नहीं ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और आपको क्या डर है, आपके क्या भय? बस यही है कि मैडम हमें बस यही डर लगा रहता है कि मतलब कि हमें ना हो जाए, मतलब हम भी काफ़ी दूर रहते हैं वैसे डेड बॉडी से, लेकिन अगर हम भी नहीं करेंगे तो फिर मैडम कौन करेगा? ये भी प्रॉब्लम होती है, मैंने कई शहरों में देखा कि JCB वाले ग्रेव को डिक करने के लिए तैयार नहीं होते, कई लोगों ने हाथों से ग्रेव्स बनाई। जी हाँ मैडम, हमारे साथ भी ये शुरू में दिक्कत आई थी, शुरू में हमसे भी अनाप शनाप पैसे मांगे JCB वाले ने, लेकिन फिर हमने बड़ी मुश्किल से अपना एक JCB वाले को मतलब हायर किया, जो मतलब अब शुरू से वही हमारे साथ काम कर रहा है बेचारा। हाँ, शेर सिंह नाम है उसका, वो हमारे साथ काम करता है। वो आपके साथ? हाँ जी जी जी। और वो हिंदू है? हाँ जी हिंदू है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये जो जब डेथ का टाइम आता है तो हिंदू मुस्लिम क्या पहचाने, जो यहाँ का मेन JCB डिगर है वो है यहाँ पे अभी, आप उनको बुला सकते हैं? शेर सिंह। तो अब हम शेर सिंह से मिलने वाले हैं, और हमें ये भी एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम बेवजह धर्म पर जो राजनीति करते हैं देश में, हमारे TV चैनल्स में भी हम राजनीति देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मुस्लिम भाई हैं मोहम्मद शमीम, और यहाँ पर एक शेर सिंह भाई हैं जिनसे हम मिलने ही वाले हैं, वो है हिंदू और वो मेन काम करते हैं ग्रेव डिगिंग का। शेर सिंह भाई ज़रा यहाँ भाग के आ जाइए क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाइए। तो ये हैं, इनके साथ यहाँ खड़े हो जाइए, आप यहाँ आ जाइए भैया।
ये है शेर सिंह जी। शेर सिंह जी, शेर सिंह जी, शमीम भाई आप बताइए, शेर सिंह ने क्या साथ दिया आपका? शेर सिंह ने असल में मैडम शुरू में सबसे पहले तो हम किसी प्राइवेट जेसीबी लेके आए, उन लोगों ने हमसे किसी ने 12,000-13,000 वो भी एक कबर के मांगते थे, लेकिन फिर हमने शेर सिंह से मिले, फिर हमने शेर सिंह से कहा तो शेर सिंह ने हमसे कहा कि जी मुझे वही नॉर्मल जो रेगुलर रेट है हमारा वही आप दीजिएगा और हम काम करेंगे। तो सारे ग्रेव्स यही डिग, हाँ जब से यही कर रहे हैं। तो ये है शेर सिंह, ये यहाँ की सारी ग्रेव्स डिग करते हैं, ये कब्रिस्तान है। आप हिंदू हैं? हाँ जी हिंदू हैं। कहाँ से हैं आप? हम नेपाल से हैं। अच्छा, मुझे लगा आपके नाम से शायद आप नेपाल से हैं। तो मैं यही शमीम भाई से बात करी थी कि मौत में हिंदू मुस्लिम क्या? वो तो है ही, इसमें क्या सब भाई भाई हैं इसमें। तो आप कैसे मान गए जब इतने लोग नहीं माने और पहले शुरू में ग्रेव्स हाथ से डिग करनी पड़ी शेर सिंह भाई, तो आप कैसे मान गए? मैं ऐसे मान गया ना, मैं यहीं बाहर काम करता था, इससे पहले भी मैं जंगल, ये कोरोना का काम नहीं था पहले, बहुत पहले आया करता था। तो शमीम भाई ने हमें बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, अगर आप काम करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने कोई दिक्कत नहीं, हमें कर देंगे, हम अपने सेफ्टी रख के करेंगे, यह बॉडी में हम टच नहीं करेंगे, मशीन में बॉडी को रखने नहीं देंगे, दूर रहेंगे, जो है जिनका है वो ही करेगा जो भी करेगा। मुझे एक बात बताओ, ऐसे बेवजह जो हिंदू मुस्लिम राजनीति कई बार होती है उनको आप दोनों क्या कहेंगे? ये नहीं पागल बनती, पागल बनती ये नहीं होनी चाहिए। हम तो ये सब बेकार की बात है, हम तो आज से नहीं इनके साथ का शुरू से काम कर रहे हैं। शुरू शुरू में यहाँ हुआ था कि ज़्यादा मुसलमान मर रहे हैं, पर जो यहाँ एम्बुलेंस आती है ना तो वो कह रहे हैं भाई यहाँ 100 आती है तो वहाँ 300 जाती है। तो हिंदू मुस्लिम राजनीति होनी नहीं, राजनीति होनी नहीं, बात है हम नहीं मानते जी। अब मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, आप दोनों अपनी सुरक्षा के लिए क्या ज़रूरत है आप? हमको बस यही है कि मैडम गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले तो एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और जैसे कि हमें ग्लव्स, पीपी किट, सैनिटाइजर वगैरह ये सब हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए। आप क्या बोलेंगे? हमारा जो है मशीन जो है कभी कभार जो ख़राब हो जाती है आने जाने में, जो है ट्रैफिक वाले पुलिस वाले तंग करते हैं, उसके लिए एक परमिशन होनी चाहिए, पास बननी चाहिए। आपको कितना पैसा मिलता है? हमको जी 15,000 मिलता है महीने का। हाँ जी हम ड्राइवर हैं। आप जेसीबी के ड्राइवर हो, आप कहते हैं पुलिस तंग करती है? हाँ जी पुलिस तंग करती है। और आप दोनों दोस्त बन गए? हाँ शुरू काफ़ी टाइम से हम लोग साथ। कितने साल? हमें कम से कम हो गया 1.5-2 साल से हम साथ में ही हैं। सो दिस इज़ मोहम्मद शमीम एंड शेर सिंह, अ हिंदू एंड अ मुस्लिम हु टुगेदर गिव डिग्निटी इन डेथ टू दोज हु मे नॉट गेट इट इवन फ्रॉम देयर ओन फैमिलीज। एंड इवन इन दिस मोमेंट ऑफ ट्रेजेडी आई वॉन्ट टू लीव यू विद द इमेज ऑफ दीज टू मैन। दिस इज़ द लास्टिंग इमेज, दिस इज़ वॉट आर कंट्री इज़ अबाउट, इन ट्रेजेडी, इन डेथ, व्हेन रिलीजन सीजेस टू मैटर एंड मस्ट सीज टू मैटर।